हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शिल्पी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल शिल्पी लाइफ एंड स्टाइल। तो आज का हमारा हॉल होने वाला है मीशो हॉल। जैसे कि आपको थंबनेल से पता चल गया होगा, मैंने ढेर सारे बैग पिक किए हैं, मतलब रैंडमली पिक किए हैं मैंने। इसमें आपको छोटे वाले कार्ड होल्डर से लेके बड़े बैग तक देखने को मिलेंगे। इसमें स्लिंग बैग है, बैग पैक है, क्लच है, बच्चों के लिए भी बैग है, मतलब बहुत सारी वैरायटी देखने को मिल जाएगी आपको। तो प्लीज वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। इसके अंदर आपको अंडर 500 तक सब तरह के बैग देखने को मिल जाएंगे। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेक श्योर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो, नहीं किया है तो प्लीज फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक का बटन प्रेस कीजिएगा। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। तो बात करते हैं अपने सब छोटू वाले बैग के साथ में। तो मैंने मंगाया सबसे पहले एक कार्ड होल्डर। पैकेजिंग देखिएगा, काफी अच्छी आई है। इसमें दो कलर अवेलेबल हो जाएंगे आपको, एक ब्राउन है और एक ग्रे है। तो लेकिन मुझे रिसीव ग्रे कलर हुआ है, मेरा ब्राउन वाला नहीं हुआ। लेकिन ये भी काफी अच्छा लग रहा है। ये आपको ना थोड़ा गुच्छ की कॉपी लगेगा ये, लेकिन बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है ये। ऊपर लेदर का मिलेगा, इसमें अच्छे से ना प्रिंट हुआ हुआ है। ये देखिए इसकी जिप की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी आपको जिप की क्वालिटी मिल जाएगी इसकी। और अंदर आपकी इसके अंदर काफ़ी सारे अपने कार्ड को होल्ड करके रख सकते हैं। साइड में आप मनी वगैरह भी रख सकते हैं इसके अंदर तरह से। ये देखिएगा चारों तरफ से काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आया है ये। अंडर 200 में पड़ा होगा मुझे ये। इसमें आपको और भी बहुत वैरायटी मिल जाएगी बैग में, आप कार्ड होल्डर में। तो आपको कुछ और भी पसंद है तो वो भी ले सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है। मैं तो इसलिए मंगाया क्योंकि मेरे पास जितने भी बैग है ना उसमें कंपार्टमेंट के बहुत ज़्यादा इशू आने लगे हैं। एक ही मिलता है तो कभी कभी पैसे डालते हैं तो डर लगता है कि यार गिर ना जाए, तो मैंने उसी के लिए मंगाया है। आपको लेना है तो आप तब टिप कर सकते हैं, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की। नेक्स्ट भी मैंने एक छोटा स्लिंग बैग मंगाया है, क्योंकि कभी कभी होता है कि जरूरत नहीं होती हमको बैग ले जाने के लिए, तो केवल एक फोन वर्क रखने के लिए और छोटे मोटे पैसे रखने के लिए ही एक छोटा स्लिंग बैग चाहिए था मुझे। तो मैंने एक मंगाया है, इसके अंदर आपको चार कलर अवेलेबल हो जाएंगे। मैंने ये रेड वाला कलर लिया है इसके अंदर की, और ऐसा नहीं है छोटू सा भी नहीं है, साइज इसका एकदम परफेक्ट आया जितना मुझे चाहिए था ये। इसमें आपको इस तरह से ना दो कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, एक बाहर की तरफ छोटी सी जिप मिल जाएगी, ये देखिएगा सही है। जिप की क्वालिटी वगैरह भी काफी अच्छी है ये। और एक आपको इसमें ऊपर मिल जाएगी बिग में, इस तरह से आपको फोन वगैरह रख लीजिए, थोड़े बहुत पैसे वगैरह रख लीजिए, कॉइन वगैरह रखना तो आप बाहर भी रख सकते हैं इसके अंदर। और साथ में आपको ये डोरी मिल जाएगी, काफी अच्छी स्लिंग वाली डोरी दी गई है, तो काफी सही लेंथ में आती है आपको ये। सामने आपको थोड़ा सा ना जिगजैग टाइप का पैटर्न मिल जाएगा, ये देखिएगा। तो ओवरऑल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। छोटी मोटी जगह पे जाने के लिए आपको छोटा सा आपको चाहिए तो आप डेफिनेटली इसको पिक कर सकते हैं, मेरी तरफ से तो रिकमेंडेड है ये वाला। नेक्स्ट मैंने पिक किया है ये छोटा क्यूट सा जूट बैग, ये देखिएगा। इसमें मैंने येलो कलर लिया है, इसमें आपके आपको ऑप्शन मिल जाएंगे तो आप देख लीजिएगा। मुझे ये येलो कलर बहुत ही अच्छा लगा था, थोड़ा सा ब्राइट सा कलर है। अगर आप बाहर वगैरह घूमने जा रहे हैं, वैकेशन पे जा रहे हैं, गोवा वगैरह जा रहे हैं, तो उसके लिए काफ़ी अच्छा बैग है ये। ये देखिएगा बहुत ही अच्छी क्वालिटी में आया है यार ये। और सामने आपको इस तरह से ना फ्लावर बैग मिल जाएगा इस तरह से, इसके अंदर एक जिप भी मिल जाएगी आपको ना। काफ़ी बैग दिखेंगे मीशो में इस तरह से जूट वाले, बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन वाले मिलेंगे, लेकिन उनमें ना ये था कि जिप नहीं थी, ओपन था वो। तो आप कुछ भी सामान रखेंगे तो डर लगता है, एटलीस्ट आपके पास एक जिप होनी ही चाहिए ताकि आपका सामान सेफ रखा रहे। तो उसी में सर्च करते हुए मुझे ये दिखा था ये, क्योंकि इसके अंदर एक जिप भी है। ये देखिएगा सिंगल ही मिलेगी होने को तो, लेकिन एक मिल जाएगी आपको ये। और अंदर आपको काफी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा, तो आपको थोड़ा बहुत जो भी सामान है अपना रख सकते हैं। चश्मा डाल लीजिएगा, थोड़ा बहुत पैसे भी रख लीजिएगा इसके अंदर, अपनी एक दो मेकअप का सामान जैसे लिपस्टिक वगैरह रख लीजिएगा, तो उसके लिए काफी सफिशियंट है ये। तो उस हिसाब से मैंने मंगवाया था। इसकी डोरी आपको इस तरह से मिलेगी लंबी, तो आपको साइड में लगा सकते हैं, या फिर आपको स्लिंग के रूप में लेना है तो स्लिंग के रूप में भी ले सकते हैं। डोरी की क्वालिटी भी आपको काफ़ी अच्छी, इसकी डोरी की क्वालिटी मिल जाएगी। मुझे ये बैग बहुत ज़्यादा पसंद आया था, क्योंकि क्वालिटी वगैरह के मामले में, रेट वगैरह के मामले में काफ़ी अच्छा है ये। और डिजाइन भी इसका देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया गया है ये। बिल्कुल भी कहीं से भी ऐसा नहीं है कि धागा निकला हुआ हो, काफ़ी सफाई से एकदम इसका डिजाइन किया हुआ है। तो आपको अगर लेना है तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की। नेक्स्ट बैग के साथ तो मेरे धोखा हो गया, मैंने कोई दूसरा बैग मंगाया था। इनफैक्ट मेरे ये मैंने 11 से 12 बैग पिक किए हैं, इनमें से मेरे साथ दो बैगों के साथ में इस तरह से हुआ है। मैंने कुछ और मंगाया था, कुछ और आया है। मीशो में हो जाता है इस तरह से, कभी भी पूरे शॉर्ट के साथ नहीं कह सकते कि आपने जो मंगाया आपको वही मिलेगा। तो मेरे साथ वही धोखा हुआ है ये। मैंने पिक्चर मेंशन करी है जो मैंने मंगाया था, इसके अंदर चार कलर अवेलेबल थे, चारों कलर ही बहुत ज़्यादा प्यारे थे, मतलब कोई भी आ जाता तो भी मुझे चलता। लेकिन इन्होंने बिल्कुल जस्ट डिफरेंट पीस भेज दिया है ये। ये देखिएगा कि देखो मल्टी सा कलर है ये इस तरह से, और मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया क्योंकि मुझे नहीं चाहिए था ये। क्वालिटी वगैरह के मामले में आपको बता देती हूँ, अगर मुझे इसका कोड भी मिल जाएगा तो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अगर आपको फिर भी पसंद आए तो आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं इसको। तो ये देखिएगा इस तरह से आपको आगे पीछे इस तरह से मल्टी सा कलर मिल जाएगा इसका भी। एक इसमें मिल जाएगी चैन वाली, ताकि आप इसको हाथ में भी कैरी कर सकते हैं। ये मिलेगी चैन की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, गोल्डन कलर की, नो डाउट। अंदर मिल जाएंगे आपको इस तरह से दो कंपार्टमेंट, अंदर मिलेगा इसमें चेक का कपड़ा मिल जाएगा आपको,
और एक में आपको स्लिंग भी मिलेगी इसके अंदर इसमें इस तरह से स्लिंग मिल जाएगी। और ये ना स्लिंग वाली, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी, ओके है। मुझे ये लग रहा है कि मतलब छोटा बहुत सामान इसके अंदर आपने हैवी भर लिया तो ये मे बी टूट जाए, तो मुझे इसकी डोरी भी कम पसंद आई है। दो इस तरह से कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, अंदर काफ़ी अच्छा खासा स्पेसियस है ये, लेकिन अंदर एक और जिप छोटी जो होती है ना वो नहीं है इसके अंदर, क्योंकि जिस पर अपना मनी वगैरह सेफ्टी से रख सके, आपको इसके अंदर ही रखना पड़ेगा। काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिल जाएगा आपको, लेकिन मैं आपको हाईली रिकमेंड नहीं करूँगी। आपको अगर लेना है तो आप ले सकते हैं इसको, कोड मिल गया तो मैं डाल दूँ। बात करते हैं नेक्स्ट बैग की, तो नेक्स्ट मैंने मंगाया है कि बच्चों के लिए, मेरी बेटी तो थोड़ी बड़ी हो गई है, मैंने अपनी सिस्टर की बेटी के लिए मंगाया है ये। देखिएगा बहुत ही प्यारा बैग आया है ये, उसको टेडी बियर्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो उसी को देखते हुए मैंने मंगा लिया है। ये देखिएगा जो पिक्चर में मेंशन था ना, सेम टू सेम ही मुझे रिसीव हुआ है ये। ये देखिएगा टेडी वाला है, ये बहुत सॉफ्ट है, बिल्कुल वाइट में, ऑफ वाइट साइज का आपको कलर मिल जाएगा इसका। आइस में देखिए दो आइस बनी हुई है, पूरा उसका माउथ बना हुआ है ना। आप इसके साथ आप खेल भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं छोटे बच्चे। और इसमें अंदर मिल जाएगी एक ये जिप, और अंदर देखिएगा थोड़ा लेदर का सा ना अंदर का इसका कपड़ा मिल जाएगा आपको, और अंदर मिल जाएगी आपको एक ये चैन जिसमें आप इसको स्लिंग कर सकते हैं आराम से। इसकी अंदर भी स्पेशियस है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्पेस नहीं है, इसके अंदर स्पेशियस है। बच्चे छोटे मोटे जो भी सामान रखना चाहते हैं वो आराम से इसके अंदर रख सकते हैं। क्वालिटी में नो डाउट बहुत अच्छा है। साइड में आपको इस तरह से दो हैंग करने के लिए भी दे दिए हुए हैं ये गोल्डन कलर में इस तरह से, जिसमें आप अपनी चैन को इस तरह से हैंग कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम टू सेम रिसीव हुआ है ये, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। छोटे बच्चे हैं घर में या किसी को गिफ्टिंग के पर्पज से आपको चाहिए तो आप इस बैग को डेफिनेटली पिक कर सकते हैं। देखिएगा तो नेक्स्ट बैग की, तो नेक्स्ट बैग मैंने लिया है, इसकी पैकेजिंग तो काफ़ी अच्छी आई है, इस तरह से थैली में अंदर कार्डबोर्ड में पैकेजिंग बहुत ही अच्छी आई है। ये आया है मैंने लिया है एक गुच्ची बैग की कॉपी भी। यार गुच्ची बैग तो मैं ले नहीं सकती, बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो मीशो पर आपकी उसकी कॉपीज बहुत ज़्यादा मिल जाएंगी ब्रांडेड बैग की, तो वही देखते हुए मैंने लिया है। पैकेजिंग देखिए इस तरह से काफ़ी अच्छे से आया था, काफ़ी अच्छा फील आ रहा था कि हाँ ब्रांडेड जैसे बैग की कॉपी है ये बैग, तो नहीं बोल सकती सेम वही है। ये देखिएगा जैसे आपको सेम वही गुच्ची का इस तरह से लोगो भी मिल जाएगा। ब्राउन कलर का लिया है मैंने ये, मुझे बहुत प्यारा कलर लगा था, मतलब जो मैं सेलर का मैंने लिया है ना इसमें ये एक ही कलर अवेलेबल था, लेकिन आप सर्च करेंगे तो और भी मिलेंगे आपको, जिसमें आपको 4 से 5 कलर भी मिलेंगे इसमें। आपको ब्लैक भी है इसके अंदर, व्हाइट भी है इसके अंदर, तो अगर आपको जो दूसरा पसंद आए तो वो भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने ये थोड़ा ब्राउन लिया हटके, ब्लैक व्हाइट तो बहुत हो जाता है। तो इस तरह से है, दो हैंडल मिल जाएंगे आपको इस तरह से, अगर चाहे तो आप इसको हाथ में भी कैरी कर सकते हैं। पीछे इस तरह से कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं मिलेगा आपको इस तरह से, बिल्कुल ये इस बैग आएगा ये, अंदर आपको एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा, केवल चैन ही मिलेगी, कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है इसके अंदर। तो ये जिप मिल जाएगी आपको, अंदर खोलेंगे तो इसके अंदर आपको एक स्लिंग बैग भी मिल जाएगा। आपको अगर स्लिंग के रूप में साइड में लगाना है या फिर स्लिंग के रूप में क्रॉस करके लगाना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अंदर और कोई चैन नहीं दी गई है, ना कोई कंपार्टमेंट दिया गया है। काफ़ी अच्छा खासा आपको स्पेस भी मिल जाएगा, अंदर चैट का कपड़ा मिल जाएगा, कपड़े की क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है। इनफैक्ट ये बैग भी काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हैं इसकी फिनिशिंग वगैरह भी इस तरह से ना चारों तरफ से काफ़ी अच्छी है। दो हुक मिल जाएंगे इस तरह से आपको साइड में, जिसमें आप अपने स्लिंग इसमें अपनी डोरी को स्लिंग कर सकते हैं, और इसको जितनी छोटी बड़ी करनी है आप उतना छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं। आपको लेना है तो मैं तो कहूँगी आप डेफिनेटली पिक कर सकते हैं इस बैग को। देखना शाइनिंग भी है इसके कपड़े में, काफ़ी अच्छी खास शाइनिंग मिल जाएगी, तो मेरे हिसाब से तो हाईली रिकमेंडेड है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की। नेक्स्ट बैग तो आप पूछिए मत, भी बहुत ज़्यादा प्यारा आया है। ये देखिएगा इसमें मैंने ये व्हाइट और व्हाइट वाला कलर लिया है, इसमें 6 से 7 कलर ऑप्शन होंगे शेड में ही, तो आपको दूसरा चाहिए तो आप बोले सकते हैं। ये देखिएगा ब्रांडेड बैग का फील देता है ये पूरा, काफ़ी अच्छी हाई क्वालिटी आई है इसकी। ऊपर से इस तरह का डिजाइन मिल जाएगा इसमें, ऊपर ये बेल्ट का डिजाइन भी दिया हुआ है। आगे पीछे कोई कंपार्टमेंट वगैरह नहीं है, कोई जिप नहीं दी हुई है इसमें। आपको चाहे तो आप इस तरह से भी इसको कैरी कर सकते हैं हाथ में भी, और साथ चाहें तो इसमें डोरी दी हुई है तो उस हिसाब से आप स्लिंग कर सकते हैं, ये यहाँ से खुल जाता है। लेकिन डोरी इसके अंदर इनबिल्ट है, ऐसा नहीं कि अगर आपको हटाना है तो रिमूव कर देंगे आप, नहीं रिमूव नहीं होगी वो डोरी। और इसमें आपको मिल जाएगा इस तरह से एडजस्टेबल के लिए, जितना एडजस्ट करना है उतना एडजस्ट कर लीजिएगा अपने हिसाब से। आधा तो मिल जाएगा ये गोल्डन की चैन, और आधा मिल जाएगा ये बेल्ट वाला, कपड़े की बेल्ट मिल जाएगी आपको इस तरह से। अंदर इसके अंदर एक कंपार्टमेंट मिल जाएगा ये देखिएगा, और स्पेसेज भी काफ़ी अच्छा खासा है, अंदर का कपड़ा है, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी इसको। काफ़ी डीप सा कंपार्टमेंट है ये, तो थोड़ा बहुत मनी वगैरह आराम से आ जाएंगे इसके अंदर। छोटे आगे पीछे में आपको जो सामान रखना है वो भी रख सकते हैं, काफ़ी स्पेसियस है ये। क्वालिटी वगैरह काफ़ी अच्छी आई है इसकी, रेट के अकॉर्डिंगली बहुत हाई क्वालिटी आई है इसकी। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड भी करूंगी कि आपको लेना है तो डेफिनेटली पिक कर सकते हैं, क्योंकि जब आप इसको लेके जाएंगे ना तो हाई क्वालिटी जो ब्रांडेड वाले बैग होते हैं ना वैसा फील आएगा,
देखिएगा, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी इस बैग को लेने के लिए, बहुत ही प्यारा आया है, फिनिशिंग वगैरह जो भी है, सिलाई वगैरह सब कुछ बहुत अच्छी आई है। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की, बट उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो या पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज प्लीज जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो मेरे कैसे लग रहे हैं, कौन सा वीडियो देखना है, कौन सी वीडियो सबसे ज्यादा पसंद आ रहा है, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इतने सारे बैग में से भी आपको कौन सा वाला बैग पसंद आया वो भी जरूर बताइएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट बैग की, तो नेक्स्ट मैंने लिया है, वेडिंग सीजन चल रहा है तो मैंने क्लच भी लिया है, इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के क्लच मिल जाएंगे, लेकिन मुझे एकदम अफोर्डेबल रेंज वाला ही क्लच चाहिए था, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज में नहीं आते हैं, आपको शादी में जा रहे हैं या कोई ऐसे वैसी पार्टी वगैरह में जा रहे हैं तो यूज में आता है, तो उस हिसाब से मैंने कम रेंज वाला ही में ही अच्छी क्वालिटी का पैक मंगा लिया है। ये देखिए, इसमें आपको 4 से 5 कलर ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत ही प्यारा बैग निकला है ये, मैंने ना ऑफ वाइट में गोल्डन कलर की इस तरह से फिनिशिंग वाला बैग मंगाया है। ये चमक भी देखिएगा कितनी अच्छी इसकी चमक मिल जाएगी आपको, काफ़ी अच्छी खासी इसके अंदर शाइनिंग मिल जाएगी आपको, आगे और पीछे दोनों तरफ से इस तरह से है, ऊपर आपको इस तरह से ना एक पर्ल का मोती मिल जाएगा डिजाइन के लिए, और केवल आपको इस तरह से प्रेस करोगे तो ये खुल जाएगा इस तरह से, और स्पेसिस भी काफ़ी अच्छा खासा, आपका फोन वगैरह आ जाएगा, छोटा मोटा मेकअप का सामान रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत मनी वगैरह रख लीजिएगा इसमें। इसके अंदर आपको ना लॉन्ग चैन नहीं है, केवल इस तरह से ना शॉर्ट वाली चैन मिल जाएगी, तो मुझे ये वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरे पास एक लॉन्ग चैन वाला ऑलरेडी है, तो ये वाला मैंने इसलिए लिया क्योंकि थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, फिर भी अगर आपके पास चैन है एक्स्ट्रा में तो आप वो चैन भी डाल सकते हैं इसके अंदर। क्वालिटी वगैरह भी देखिएगा, ऊपर इसका जो हैंडल है ना, इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है गोल्डन कलर में, इस तरह से चमक भी काफ़ी अच्छी मिल जाएगी आपको, तो आप इस तरह से चाहे तो हाथ में हैंग करके रख सकते हैं। तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगी इस बैग को लेने के लिए, क्योंकि ये अंडर 300 में पड़ा होगा मुझे उस हिसाब से, यार काफ़ी अच्छा बैग है ये। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की, नेक्स्ट बैग तो ये बैग तो आपने पक्का देखा ही होगा, मतलब मीशो पे ये बहुत ज़्यादा वायरल बैग है, लेकिन मैंने सोचती रह गई थी, लेकिन मैंने ख़रीदा नहीं था, लेकिन फाइनली मैंने वाला बैग पिक कर लिया, और सीरियसली बहुत ही अमेजिंग क्वालिटी आई है इसकी। सबसे पहले तो इसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी आई है ना, ये देखिएगा कितनी ज़बरदस्त पैकेजिंग करके दी है उन्होंने, यही बैग है जो सबसे हाई रेंज का है, ये अंडर 500 में है, आई थिंक मुझे 500 का ही पड़ा था ये, ऑलमोस्ट पैकेजिंग पे पैकेजिंग आई है इसकी। ये ब्लैक कलर में लिया है मैंने ये, ओह माय गॉड बहुत ही अच्छी क्वालिटी आई है इसकी, मतलब एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छी इसकी क्वालिटी निकल के आई है। ये ऊपर मिल जाएगी आपको इस तरह से ये जिप, और इसके अंदर मिल जाएगी आपको ये कि कॉइन रखने के लिए भी छोटा सा मिनी सा बैग मिल जाएगा आपको ये, और फिर मिलेगी आपको इसकी बेल्ट, क्वालिटी बहुत हाई है इसकी, आपको इस तरह से स्लिंक में जैसे भी जितना बड़ा छोटा बड़ा करना है उतना बड़ा कर सकते हैं आप इसको, और साइड में आपको इस तरह से हैंग करने के लिए दिए हुए हैं दो हुक, तो इसको आपको केवल इस तरह से साइड में हैंग कर दीजिए। अब आपको ये कॉइन वाला जो छोटा बैग है ना, आपको इसमें कहीं भी आपको हैंग कर दीजिए जहाँ आपको लेना है। ये देखिएगा कितना प्यारा बैग लग रहा है, आपके लंबे इंतजार के बाद मैंने ले ही लिया ये बैग, और अंदर आपको एक ब्लैक कलर का ही एक कपड़ा मिलेगा आपको प्लेन, इसमें आपको साइड में भी एक ओपन वाली पॉकेट मिल जाएगी, और अंदर इसके अंदर आपको एक जिप भी मिल जाएगी छोटी, जिसमें आप तो अपना मनी वगैरह रख सकते हैं आराम से, काफ़ी अच्छा स्पेसियस है, अंदर भी ऐसा नहीं बिल्कुल छोटा सा दिया हुआ है जिप का, नहीं काफ़ी अच्छा खासा स्पेसियस मिल जाएगा आपको 500 में, तो यार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है इसकी, शाइनिंग भी आप देख सकते हैं कितने अच्छे, इसमें छोटे छोटे इसमें डॉट 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 से बने हुए हैं इस तरह से, और ये बहुत साइड में मिल जाएंगे आपको इस तरह से, जिप की क्वालिटी भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इसकी क्वालिटी है। तो इस बैग को तो मैं हाईली रिकमेंड करूंगी, अगर आपको लेना है तो जस्ट गो फॉर इट, मतलब आप आग बंद करके ले सकते हैं इस बैग को। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की, तो नेक्स्ट मैंने पिक किया है कि बैग पैक, इसमें आई थिंक आपको एक और कलर मिल जाएगा ब्लैक कलर, मैंने ये थोड़ा सा ना ऑफ वाइट कलर लिया है, ये इसका क्वालिटी वगैरह दिखने में तो लग रहा है काफ़ी अच्छी, मैंने खोला नहीं है सीरियसली, बिल्कुल भी नहीं खोला मैंने ये, और सेम टू सेम ही रिसीव हुआ है, ये देखिएगा इस तरह से आएगा ये पूरा, देखिएगा फ्रंट पे कुछ लिखा हुआ है सामने इस तरह से ना, कलर में इस तरह से डिजाइन किया हुआ है फ्लावर का सा इस तरह से, नीचे भी आपको एक डिजाइन मिल जाएगा इस तरह से, फ्रंट ही फ्रंट में आपको इस तरह से एक चैन मिल जाएगी, जिप मिल जाएगी छोटी सी, जिसमें छोटा मोटा अपना सामान वगैरह रख सकते हैं इस तरह से, और इसका थोड़ा ना डिफरेंट टाइप का पैटर्न है, ऊपर केवल आपको इस तरह से डिजाइन मिलेगा, और इसमें जो चैन दी हुई है ना इसको ओपन करने के लिए वो आपको बैक साइड में मिलेगी, ये देखिए यहाँ से आपको सामान डालना है इसके अंदर इस तरह से, तो अब आपको अपना सामान जो भी है इसके अंदर कुछ बुक्स वगैरह रखनी है, जो कॉलेज गोइंग गर्ल है अगर उनको यूज में लेना है तो इस तरह से अपनी बुक वगैरह रख सकते हैं इसके अंदर, और इधर साइड में भी आपको एक जिप मिल जाएगी, ये देखिए इधर साइड में भी जिप दी हुई है, तो इसमें भी आपको छोटा मोटा सामान अपनी मनी वगैरह रखना है तो वो रख सकते हैं इसके अंदर, ये देखिएगा
काफी अच्छी क्वालिटी आई है इसकी। इसको आप दो तीन तरह से यूज में ले सकते हैं। देख, आपको चाहिए तो आप इस तरह से पीछे बैकपैक के रूप में यूज में ले सकते हैं, आपको चाहिए तो आप इसको केवल इस तरह से शोल्डर की तरह भी यूज में ले सकते हैं, आपको चाहिए तो आप केवल इसको इस तरह से भी यूज में ले सकते हैं। तीन तरीके से इसको यूज में ले सकते हैं। साइड में इस तरह से ना चैन भी दिए लगा के, छोटी सी ना इस तरह से हैंग करके दी हुई है, तो बहुत ही प्यारा बैग है। आपको वैकेशन पे जाना है तो भी लेके जा सकते हैं, कॉलेज गोइंग है तो वो भी लेके जा सकते हैं। तो काफी अच्छा बैग है, क्वालिटी वगैरह फिनिशिंग वगैरह भी काफी अच्छी आई है इसकी, नो डाउट। मैं तो आपको हाईली रिकमेंड भी करूंगी इसको लेने के लिए। अब बात करते हैं नेक्स्ट बैग की। नेक्स्ट बैग के साथ भी यही हुआ कि मैंने मंगाया तो दूसरा बैग था, मुझे रिसीव दूसरा बैग हुआ है, लेकिन जो मुझे रिसीव हुआ है उसको देख के मैं बहुत बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैंने पिक्चर मेंशन करी है कि मैंने ये वाला बैग मंगाया था, छोटा स्लिंग बैग, और मुझे इतना बड़ा बैग रिसीव हुआ है, शोल्डर वाला बैग। ब्रांड सेम ही है लेकिन बैग जस्ट डिफरेंट है बिल्कुल। ये देखिएगा बहुत प्यारा है, ये देखिएगा, ये ब्रांड है इसका, कैरिलेक्स करके ब्रांड का है ये, और उसकी ब्रांड भी सेम थी लेकिन बैग बिल्कुल डिफरेंट आया है। ये डिजाइन भी देखिएगा तो कितना अच्छा, इसमें ना इस तरह से डिजाइन मिल जाएगा, इस तरह से फ्रंट में भी और बैक में भी दोनों तरफ से इस तरह से ब्राउन शेड मिल जाएगा इसका। मुझे पता नहीं इसमें और भी शेड वगैरह है क्या, मैं सर्च करूंगी, अगर मुझे इसका कोड मिल गया तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो ये शोल्डर वाली आपको डोरी मिल जाएगी इसमें, और इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट है, पता है, अगर आपको ऑफिस गोइंग है या फिर आप वैकेशन पे जा रहे हैं छोटे बच्चे, तो इस तरह के बैग बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसमें 3 कंपार्टमेंट मिल जाएंगे, 1, 2, 3। वाओ, एक गिरा, एक ये है, और इसके अंदर एक छोटा मिल जाएगा आपको ताकि अपनी मनी वगैरह रख सकते हैं ये। और ये देखिएगा कितना अच्छा स्पेस है, मतलब दुनिया भर का सामान आ जाएगा यार इसके अंदर। और एक ये है छोटी में, तो ये मिल जाएगी। और पीस बाहर ना कोई भी चिप नहीं है इसके अंदर, लेकिन क्वालिटी भी यार टॉप नोच क्वालिटी आई है इसकी, ब्रांडेड बैग की कॉपी जैसा लग रहा है बिल्कुल। ये रिकमेंडेड है, अगर मुझे इसका कोड ढूंढूंगी मिल जाएगा तो मैं डेफिनेटली आपको साथ में शेयर कर दूंगी, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही। तो ये था हमारा कलेक्शन बैग का, आई होप आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहे, आपको पसंद आया हो। सबकी मैंने रेट मेंशन कर दी है, सबका ही कोड आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलो, आपको वीडियो पसंद आया हो या आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Thank you.